भारतीय जनता पार्टी कैंप मंडल ने पूर्व पार्षद जोहन सिन्हा पर न्यायोचित कार्रवाई करने छावनी थाने में ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पूर्व पार्षद पर तिरंगे का अपमान करने का आरोप लगाया गया है। पूर्व पार्षद जोहन सिन्हा के खिलाफ न्यायोचित कार्रवाई करने की मांग को लेकर भाजपा कैंप मंडल अध्यक्ष अनिल सोनी के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने थाना छावनी में पुलिस को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में पूर्व पार्षद पर जन्मदिन के दिन तिरंगे झंडे वाला केक काटने का आरोप लगाया गया है। साथ ही कहा गया है कि इससे देश के करोड़ों लोगों की आस्था पर कुठाराघात हुआ है और तिरंगे झंडे का अपमान किया गया है। ज्ञापन को लेकर अध्यक्ष अनिल सोनी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। छावनी थाने में हमारे द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है, ज्ञापन देने का कारण ये है कि एक पूर्व कांग्रेसी पार्षद वार्ड नंबर 27 शास्त्री नगर पैरावासी जोहन सिन्हा, जो कांग्रेस के पूर्व पार्षद हैं और उनके द्वारा अपने 2 जनवरी को उनका जन्मदिवस था, जन्मदिवस के दिन उन्होंने तिरंगे का स्वरूप बना के जिसमें मोमेंटो लगा हुआ है, अशोक चक्र लगा हुआ है, तीनों कलर उसमें हैं और बना के उसका केक काटा उन्होंने। तो ये सार्वजनिक रूप से तिरंगे का अपमान है, देश का अपमान है। इसको लेके हमने थाने में ज्ञापन दिया और कार्रवाई की मांग करते हैं और कठोर कार्रवाई की मांग करते हैं। किसी तरह की कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में निश्चित तौर पर हम धरना प्रदर्शन करेंगे, उग्र प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि देश के साथ स्वाभिमान तो बर्दाश्त कोई भी देशभक्त नहीं कर सकता है। क्योंकि आपकी पार्टी के यहाँ पे लोकसभा सांसद भी, राज्यसभा सांसद भी, तो इस प्रकरण की जानकारी उन तक पहुँचाने का प्रयास किया गया क्या आप लोगों को? बहुत जल्दी वो आजकल में डेलीगेट्स बना के हम उनके पास जाएंगे और ये बातें उनके सामने रखेंगे। बहरहाल भाजपा कार्यकर्ताओं ने कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन करने की बातें कही हैं। साथ ही इस घटना से पार्टी के सांसदों को भी अवगत कराने का निर्णय लिया गया है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।